Thalassemia is an inherited blood disorder that is transmitted by parents to their children, in which the child have low hemoglobin due to reduced or absent production of certain proteins in blood. When two thalassemia minor person get married, there is a 25% chance of having a thalassemia major child in every pregnancy. Pakistan is among the highest thalassemia burden countries in the world. About 150,000 thalassemia major patients are present in Pakistan. The cure of thalassemia is bone marrow transplant, which is a very expensive and complicated procedure, and a common man cannot afford such treatment. However, its management is possible by lifelong transfusion of safe blood and iron chelation. Iron chelation is the removal of excess iron from the body, especially heart. Without proper iron chelation, a child may die up to the age of 10 to 15 years due to heart failure. But with proper iron chelation, a child can live up to the age of 50 years, can get higher education, a job, and can also get married. Kashif Iqbal Thalassemia Center, there are about 800 patients that are registered and are getting regular blood transfusion along with medicines and injections for iron chelation. At Kashif Iqbal Thalassemia Center, 30 to 70 patients per day visits for blood transfusion, depending upon the availability of blood. The prevention of thalassemia is possible by doing public awareness program at government level and also by doing premarital testing of couple, so that two thalassemia minor couple don't get married and further progress thalassemia major population. तीन डेज के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाती हूँ। मुझे 6 महीने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगना स्टार्ट हुआ है और मैं अब 22 इयर्स की हूँ। ब्लड के साथ साथ मुझे अपने आयरन को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि मेरे बॉडी में अगर आयरन लेवल बढ़ जाए तो मेरी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमें आयरन चिलेशन की भी नीड होती है। आयरन चिलेशन के लिए हमें मेडिसिन लेना होता है, डेस्वॉल इंजेक्शन पंप के जरिए लेना होता है, बाजू में लगवाना होता है या पेट पे, या आईवी ड्रिप के जरिए लगवाना होता है 12 टू 15 आवर्स तक डेली। इसी से हमारा आयरन लेवल कंट्रोल होगा और मेंटेन रहेगा। जब हमारी बॉडी में एचबी की कमी आ जाती है या हमारे एचबी कम होने लगती है तो हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है, हमारे हाथों में पाँव में दर्द स्टार्ट होने लगता है और हमारे पेट का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हमें वक्त पर ब्लड ना मिले तो हमारे लीवर और स्प्लीन के साइज़ बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें वक्त पर ब्लड लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ है, क्योंकि हमें ये सिलसिला सिर्फ 1 महीना या 1 साल तक नहीं रखना, बल्कि पूरी ज़िंदगी हमने इसी तरह मेडिसिन ब्लड्स और इंजेक्शन ड्रिप के ज़रिए गुजारने हैं। तो बहुत ही मुश्किल लाइफ है ये। शायद आप लोगों को ये सिर्फ सुनने में लग रहा होगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये जब जिनके ऊपर गुजरता है उनको ज़्यादा फील है कि कैसे गुजार रहे हैं हम लोग, और बहुत ही मुश्किल टफ लाइफ है। एक थैलेसीमिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट 1 महीने का खर्चा 30 to 35,000 तक का है, जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर पे करता है। मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर का बहुत ज़्यादा शुक्र गुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद दिया है, क्योंकि मैं बहुत जगह से मायूस होकर आई हूँ। बहुत जगह ने मुझे थैलेसीमिया का सुन के रिजेक्ट किया है। मैं कहीं पर भी गई हूँ, अब मैं 22 इयर्स की हो गई, मैं जॉब करती हूँ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में। साइको सोशल वेलबींग हाउस की असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों को देख के नर्वस फील करते हैं। जब मैं छोटी थी तो ये सारी सोचे, ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे। तो मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें मैंने फेस की है, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते थे, मैं वो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ना चलने दूँ, या फिर उनको समझा कर उनके माइंड को रिलैक्स करूँ। उन क्वेश्चन से बच्चों को समझाओ कि आगे बढ़े, दूसरे बच्चों जैसे लाइफ गुजर सकते। मुश्किल है ये, लेकिन हम करेंगे। हमें जब गुजारना है अपनी लाइफ तो हमें सब कुछ करना भी होगा। आई एम थैंकफुल टू काशिक बात इसमें केयर सेंटर फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच। आप हमारी मदद कर सकते हैं अपनी डोनेशन और ज़कात देकर। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट में 90% मरीजों का इलाज ज़कात फंड से किया जाता है। थैलेसीमिया के मरीजों को ज़िंदा रखने के लिए हर महीने खून फराहम किया जाता है और उसके साथ आयरन चेलेशन की मेडिसन्स भी दी जाती हैं, जो कि एक महंगी तरीन मेडिसन्स हैं।
और आप हमारी मदद कर सकते हैं इन मेडिसन्स के अतियात देकर। आप किसी भी थैलेसीमिया के मरीज़ की इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं, जैसा कि एक मरीज़ का ख़र्चा हर महीने का 6,000 रुपये से शुरू होकर 40,000 रुपये माहाना तक जाता है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट में 800 से ज़ायद मरीज़ों को हर महीने 3 से 4 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मुहैया किए जाते हैं। उसके अलावा उनको आयरन चलेशन की मेडिसन, जनरल मेडिसन दी जाती हैं, लेबॉरटरी सर्विसेज, ब्लड बैंकिंग सर्विसेज, रेडियोलॉजी और उसके अलावा कंसल्टेंट क्लिनिक्स भी दिए जाते हैं। साइकोसोशल वेलबिंग हाउस में इनकी मेंटल हेल्थ और मेंटल रिलैक्सेशन पर काम किया जाता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स और फैमिलीज़ को मोरल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। जो लोग मुस्तहिक हैं या बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार फराहम किया जाता है। अभी तक हम 2,100 रिक्शे, ठेले और सिलाई मशीनें अतियात कर चुके हैं। इसके अलावा इन बच्चों को हम आम दिनों से लेकर ईद त्यौहार पर पहनने तक के कपड़े देते हैं। सदकात का और कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता है और इस हर महीने 2,100 फैमिलीज़ को मुस्तहिक ख़ानदानों को राशन फराहम किया जा रहा है और ये सिलसिला हमारा रमज़ानों तक और रमज़ानों में भी जारी और सारी रहता है। तो ये सब कुछ सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन होता है जब आप हमारे साथ तआवुन करते हैं। तो आइए अपना डोनेशन और ज़कात काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर को दीजिए और हमें अपनी सहूलतों को और मज़ीद बेहतर बनाने में मदद कीजिए। शुक्रिया।